नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी और एक नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में हम जानेंगे डायरेक्टर डेविड धवन सर जी की डायरेक्ट की गई सभी फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिक्ट की तमाम डिटेल्स। आई होप दोस्तों कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डेविड धवन सर ने अपनी डायरेक्टर करियर की शुरुआत साल 1989 में ताकतवर फिल्म से करी और इस फिल्म की बजट थी 1,54,00,000 की। वहीं इसने 3,80,00,000 की कमाई करी और दोस्तों, डेविड सर की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल ही इनकी दूसरी फिल्म आई गोला बारूद और 2 करोड़ की बजट से बनी फिल्म ने 5 करोड़ की कमाई करी और इनकी दूसरी फिल्म भी हिट रही। इसी साल ही इनकी तीसरी फिल्म आई आग का गोला। इस फिल्म की बजट थी 2,30,00,000 की और इसने 4,10,00,000 की कमाई करी और कलेक्शन के हिसाब से यह एक एवरेज फिल्म रही। और दोस्तों, इसी साल ही इनकी चौथी फिल्म आई जुर्रत और कलेक्शन के हिसाब से यह फिल्म तो फ्लॉप रही। इसके बाद साल 1990 में डेविड सर की फिल्म आई स्वर्ग। इस फिल्म की बजट थी 2 करोड़, कमाई इसने 4 करोड़ और दोस्तों, यह एवरेज रही। इसी साल ही आई थी आंधिया और दोस्तों, कलेक्शन के हिसाब से यह फिल्म तो फ्लॉप रही। अगली फिल्म आई डेविड सर की साल 1992 में 16 और सबनम। इस फिल्म की बजट थी दोस्तों 2,13,00,000 की। वहीं इसने 10 करोड़ की शानदार कमाई करी। इसी के साथ ही यह फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई बोल राधा बोल। 2,15,00,000 बजट थी फिल्म की, कमाई इसने 8,50,00,000 की और दोस्तों, यह हिट रही। इसके बाद साल 1993 में डायरेक्टर डेविड धवन सर जी की फिल्म आई आंखें। इस फिल्म की बजट थी दोस्तों मात्र 1,96,00,000 की। वहीं इस फिल्म ने 25,25,00,000 की ताबड़तोड़ कमाई करी और दोस्तों, यह डेविड सर की पहली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म भी साबित हुई। इसके बाद साल 1994 में इनकी फिल्म आती है राजा बाबू। इस फिल्म की बजट थी 2,30,00,000 की। वहीं इसने 15,27,00,000 की ताबड़तोड़ कमाई करी और दोस्तों, यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद आई हिना मीना डीका। 2,80,00,000 की बजट से बनी फिल्म ने 6,88,00,000 की कमाई करी और यह एवरेज करार दी गई। इसके बाद आई अंदाज। फिल्म की बजट थी 3,09,89,00,000 की। इसने कमाई करी और यह हिट रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 1995 में याराना। फिल्म की बजट थी 4,75,00,000 की। कमाई करी इसने 9,09,00,000 की और दोस्तों, यह फिल्म अबव एवरेज रही। और दोस्तों, इसी साल ही डेविड सर की डायरेक्ट की गई फिल्म आती है कूली नंबर 1। इस फिल्म की बजट थी दोस्तों 3,50,00,000 की। वहीं इसने दुनिया भर से 21,23,00,000 की ताबड़तोड़ कमाई करी और मेरे दोस्त, इनकी यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। अगली फिल्म आई इनकी 1996 में लोफर। 4 करोड़ बजट थी फिल्म की, कमाई इसने 12,57,00,000 की और दोस्त, यह हिट रही। और इसी साल ही डेविड सर की फिल्म आई साजन चले ससुराल। इसकी बजट थी दोस्तों 4,25,00,000 की। वहीं इसने 23,61,00,000 की ताबड़तोड़ कमाई करी और मेरे दोस्त, यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। अगली फिल्म आती है 1997 में मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। फिल्म की बजट थी 5,75,00,000 की, कमाई इसने 16,75,00,000 की और दोस्तों, यह हिट रही। इसके बाद आई बनारसी बाबू। इस फिल्म की भी बजट थी 5,75,00,000 और इसने कमाई 9,91,00,000 और दोस्तों, यह फिल्म तो फ्लॉप हुई थी। इसके बाद डेविड सर की फिल्म आई जुड़वा। इस फिल्म की बजट थी 6,25,00,000 की। वहीं इस फिल्म ने 24,28,00,000 की शानदार कमाई करी। इसी के साथ ही दोस्तों, यह फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद आती है दीवाना मस्ताना। 7 करोड़ बजट थी फिल्म की और इसने 24,34,00,000 की शानदार कमाई करी और दोस्तों, यह फिल्म भी सुपरहिट रही। और दोस्तों, इसी साल ही डेविड सर की डायरेक्ट की गई फिल्म आई थी हीरो नंबर 1। वहीं इस फिल्म की बजट की बात की जाए तो फिल्म की बजट थी 6,75,00,000 की और इसने दुनिया भर से 30,95,00,000 की बंपर कमाई करी और यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद साल 1998 में इनकी फिल्म आई घरवाली बाहर वाली। फिल्म की बजट थी 5 करोड़, कमाई इसने 15,03,00,000 की और दोस्तों, यह फिल्म हिट रही। और इसी साल ही इनकी फिल्म आई बड़े मियां छोटे मियां। फिल्म की बजट थी दोस्तों 9,80,00,000 की, कमाई करी इस फिल्म ने 35,22,00,000 की और दोस्तों, यह फिल्म तो सुपर हिट रही। और दोस्तों, इसके बाद साल 1999 में डेविड सर की डायरेक्ट की गई फिल्म आई बीवी नंबर 1।
इस फिल्म की बजट थी दोस्तों 12 करोड़। वहीं इसने दुनिया भर से 49,81,00,000 की शानदार कमाई करी। इसी के साथ ही यह फिल्म तो ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद आई हसीना मान जाएगी, 9 करोड़ बजट थी फिल्म की। कलेक्शन की इसने 27,16,00,000 की और यह हिट रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 2000 में दुल्हन हम ले जाएंगे। 11 करोड़ की बजट से बनी फिल्म ने 36,87,00,000 की कमाई करी थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद आई चल मेरे भाई, 14 करोड़ की बजट से बनी फिल्म ने 22,29,00,000 की कमाई करी और दोस्तों यह फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद आई कुवारा, इसकी बजट थी 9 करोड़, कमाई इसने 19,34,00,000 की और कलेक्शन के हिसाब से इसे अबव एवरेज करार दी गई। दोस्तों इसके बाद साल 2001 में डेविड सर की फिल्म आई जोड़ी नंबर 1, 11 करोड़ की बजट से बनी फिल्म ने 34,13,00,000 की कमाई करी और दोस्तों यह हिट रही। और इसी साल ही आई थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, 8,50,00,000 बजट थी फिल्म की, कमाई इसने 14,34,00,000 की और दोस्तों यह फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद 2002 में आई थी चोर मचाए शोर, 8,50,00,000 बजट थी फिल्म की, कमाई इसने 13,63,00,000 की और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई यह है जलवा, 8 करोड़ बजट थी फिल्म की, कलेक्शन की इसने 10,88,00,000 की और यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद आई हम किसी से कम नहीं, 19 करोड़ की बजट से बनी फिल्म ने 22,98,00,000 की कमाई करी और दोस्तों यह फिल्म भी फ्लॉप रही। इसके बाद 2003 में इनकी फिल्म आई एक और एक 11, इसकी बजट थी 9,50,00,000 की, 20,99,00,000 की इसने कमाई करी थी और दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद 2004 में आई मुझसे शादी करोगी, इस फिल्म की बजट थी दोस्तों 19 करोड़ और इसने दुनिया भर से 55,98,00,000 की कमाई करी। इसी के साथ ही यह फिल्म तो हिट रही। इसके बाद 2005 में आई शादी नंबर 1, 15 करोड़ की बजट से बनी फिल्म ने 20,49,00,000 की कमाई करी और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई मैंने प्यार क्यों किया, इस फिल्म की भी बजट थी 15 करोड़ और इसने 47,22,00,000 की कमाई करी और दोस्तों यह फिल्म हिट रही। और दोस्तों इसके बाद साल 2007 में डेविड धवन सर की डायरेक्ट की गई फिल्म आई पार्टनर, इस फिल्म की बजट थी 28 करोड़ की और इसने दुनिया भर से 100,92,00,000 की कमाई करी और दोस्तों इसी के साथ ही यह फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद 2009 में आती है डू नॉट डिस्टर्ब, इस फिल्म की बजट तो थी 30 करोड़, वहीं इसने 27,89,00,000 की कमाई करी और दोस्तों इस फिल्म के साथ ही यह डेविड सर की पहली डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद 2011 में इनकी फिल्म आई रास्कल्स, 46 करोड़ बजट थी फिल्म की, कलेक्शन की इसने 52,96,00,000 की और यह फ्लॉप रही। इसके बाद 2013 में इनकी फिल्म आती है चश्मे बद्दूर, फिल्म की बजट थी 20 करोड़, कमाई इसने 62,80,00,000 की और दोस्तों यह फिल्म तो हिट रही। इसके बाद 2014 में इनकी फिल्म आई मैं तेरा हीरो, फिल्म की बजट थी 36 करोड़, कलेक्शन करी इसने 78,45,00,000 की और दोस्तों यह फिल्म तो हिट रही। इसके बाद 2017 में डेविड सर की डायरेक्ट की गई फिल्म आई जुड़वा 2, इस फिल्म की बजट थी दोस्तों 65 करोड़ की, वहीं इसने दुनिया भर से 217,75,00,000 की बम्पर कमाई करी। इसी के साथ ही यह फिल्म तो ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद 2020 में इनकी फिल्म आती है कूली नंबर 1 और दोस्तों इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पे रिलीज की गई थी। तो दोस्तों यह थी डायरेक्टर डेविड धवन सर की अब तक की डायरेक्ट की गई तमाम फिल्मों की डिटेल्स। आई होप दोस्तों कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे जल्द ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।